Hi, assalamu alaikum. Welcome to Third Motion Video. Third Motion Video में आप सभी का स्वागत है. अगर वीडियो को नए तौर से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल का आइकन प्रेस कर दें. आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें देखने जाने वाले हैं जो कि नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए इनकमर्स हैं यूट्यूब में जो आ रहे हैं, उनके सुविधा के लिए वीडियो कैसे YouTube में अपलोड किया जाता है क्रोम के ज़रिए, वो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं. गौर से देखें और फॉलो करें, कोई भी स्टेप को स्किप ना करें, आखिर तक देखें. वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. चलो आप वीडियो के अंदर चलते हैं. अभी आप देख सकते हैं मोबाइल का इंटरफेस जब आप खोलेंगे तो ऐसा रहेगा. तो उसके बाद क्रोम के अंदर जाएं तो क्रोम का पेज ओपन होएगा. इसे आप फिर पहले से ही लॉगिन है तो कोई बात नहीं, या नहीं तो आप यूट्यूब में जाकर लॉगिन कर लें और उसको बाद में डेस्कटॉप साइट में चेंज कर लें, तब जाके आपको ये चीज़ या ऐसा इंटरफेस खुलेगा. ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद में आपको ऊपर के राइट कॉर्नर पे बिल्कुल घंटी का बगल में आपको वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप अपलोड का ऑप्शन देकर वीडियो अपलोड कर सकते हैं. जैसे ही आप अपलोड का ऑप्शन देंगे तो ऐसा एक पेज ओपन होगा इंटरफेस, जिसमें आपको मतलब अभी नेट स्लो है, ऐसा ओपन होगा. तो आपको फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप वीडियोज़ की फ़ाइल कहाँ रखे हुए हैं. तो वीडियोस पे जाएं, ऊपर वाली जो वीडियोस है उस पे जाएं, तो आपको जो वीडियो अपलोड करना है उस वीडियो पे क्लिक करें और जैसे ही क्लिक हो जाएगा तुरंत ऑटोमेटिकली वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा. तो इसके लिए आपको लाजिम है कि आपकी नेटवर्क जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर नेटवर्क नहीं होगी तो अपलोड होने में दिक्कत होगी. तो ये अभी अपलोड होना शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं. जैसे ही अपलोड होता है उसी वक्त हम बाकी सारे काम को निपटा लेंगे, जैसे कि टाइटल हो गया इसका. आप जिस चीज़ की वीडियो डाल रहे हैं उसके टाइटल आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. एग्जांपल मैंने अभी मेरी इंट्रो का वो छोटा क्लिप डाला आपको दिखाने के लिए, तो मैंने इंट्रो ऑफ यूट्यूब करके इंट्रो फॉर यूट्यूब करके टाइप कर रहा है. तो यूट्यूब का इंट्रो जो भी है आपको इधर टाइटल पे टाइप करना होगा, जो भी टाइटल है वो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा. फिर रहा नेक्स्ट कॉलम डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन में जो है आप जिसके बारे में वीडियो डाल रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत ब्रीफ यहाँ एक्सप्लेन कर देना चाहिए. जैसा कि ये इंट्रो फॉर यूट्यूब है और उसके नीचे में मतलब आप अपनी चैनल किस रिगार्डिंग पे बेस पे चला रहे हैं, किस कॉन्टेंट पे चला रहे हैं, ये सारा सब कुछ डिटेल्स. और आपकी YouTube की जो लिंक होती है उस लिंक को, आपकी Instagram की जो लिंक होती है उस लिंक को, और आपकी जो मेल आईडी है उसको आप जो चाहें इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं. तो डिस्क्रिप्शन का यही हुआ मतलब. तो आप इसमें किसी किस्म का हैशटैग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग Instagram पे यूज़ करते हैं उस तरह से. और नेक्स्ट कॉलम जो होता है तो पहले वो डिस्क्रिप्शन पूरा होने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा. अगर इधर नीचे आप देखेंगे तो थंबनेल अपलोड थंबनेल बोल के एक ऑप्शन दिखा रहा है. ये ऑप्शन इस वजह से है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा वाला थंबनेल हो, थंबनेल मतलब क्या होता है, वीडियो का जो इमेज होता है वो वाला हो तो उसमें अपलोड कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे ही YouTube सेलेक्ट कर लेता है कोई भी एक वीडियो को. फिर उसके बाद जैसे ही नीचे उतारेंगे तो आपको मोर ऑप्शन में दिखेगा टैगिंग. जैसा कि मोर ऑप्शन टैगिंग इसलिए होता है कि हमारी वीडियो को लोग किस तरह सर्च करने पे हमारी वीडियो आएगी. जैसा कि जो हमारी कंटेंट है कंटेंट के हिसाब से, जो हमारी वीडियो बेस करती है उसके हिसाब से हम यहाँ पर टैग करना पड़ता है. मसलन इंट्रो वीडियो हो गया, इंट्रो यूट्यूब हो गया, वही अभी मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसी हिसाब से. आप एक वर्ड टाइप करने के बाद में ये जो नेक्स्ट की है ना वो देते हैं तो ऑटोमेटिक वो टैग हो जाता है.
तो इसी तरह एक एक करके जितना टैग हो सके 500 लेटर्स के अंदर करना चाहिए। तो ये टैगिंग होने के बाद में आप नीचे वाला लॉस्ट एक लाइन देख सकते हैं, जहां अपलोड हो रहा है वीडियो उसकी स्टेटस दिखाई देगी आपको। अपलोडिंग के दौरान कोई जल्दबाजी ना करें, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये जो नीचे अपलोड के ऑप्शन दिखा रहा है वो अपलोड का ऑप्शन, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इतना करने से अपना वीडियो जो है अपलोड हो जाता है और लोगों के अंदर वो टैगिंग का मसला आ जाता है, कोई बात नहीं। और ये जो अपलोडिंग है पूरा 100% अपलोड होने के बाद में प्रोसेसिंग बोल के एक कुछ फ्यू मिनट्स लेगा, जैसे आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि इंटरनेट फास्ट होगा तो तुरंत हो जाएगा, अगर देर इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा देर लगेगा। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये राइट बेस पे बॉटम पे जो है ना, मैं इस दो स्टेप जो है मैं बाद में सिखाऊंगा। फिर ये जैसे ही प्रोसेस जो ख़त्म हो जाएगा 100% प्रोसेस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा राइट कॉर्नर पे, उस पे जाके नेक्स्ट देना पड़ेगा। फिर मैं ऐसे ही बता दिया आपको, फिर अब पहले से बताऊंगा, देख लियो आप। ये देखें, फिर हम वही पेज पे आ गए जाएं। जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होने लगा तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस ख़त्म होने पर, हमारा अभी वीडियो का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो अगर कोई भी डिस्प्ले चाहिए तो जैसे YouTube लगाता है उसको लगाने दीजिए, या नहीं तो आप खुद से अपना थंबनेल लगा लीजिए। फिर ये नेक्स्ट का ऑप्शन देके नेक्स्ट पेज पे जाएं। नेक्स्ट पेज पे ये होता है कि आप जो है अपनी एंड पे वीडियो लगा सकते हैं, उसी का ऑप्शन है, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं शुरुआत में, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देंगे तो आपको लास्ट स्टेप में ले जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, अगर तुरंत करना है तो नेक्स्ट पे दे दें, पब्लिश हो जाएगा, या नहीं तो कुछ आप दो दिन बाद दूसरे दिन देना चाहते हैं तो शेड्यूल पे आकर आप जो डेट पे देंगे, जो टाइम पे आप उसको सेट करोगे, तभी जाके आपकी वीडियो जो है पब्लिश होगा, या नहीं तो आप पब्लिक डायरेक्ट दे सकते हैं। पब्लिक देने पे क्या होगा, आपका वीडियो तुरंत पब्लिश हो जाएगा और नीचे जो है आपको पब्लिश का बटन फाइनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी, पूरी तरह से अपलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये संदेश अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और आपकी जो कुछ भी फीडबैक हैं आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो तक, आपसे मिलने तक आपसे अलविदा, आपका दोस्त, अस्सलाम वालेकुम।